नहीं ये तमाम चीजें हैं, मगर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या अपने सपोर्टर्स को रोक पाएंगे? स्वामी रामदेव का अभिनंदन नोटों की माला से कभी न हुआ था और न होगा। स्वामी रामदेव के खाली तीन ही उद्देश्य हैं राजनीति के इस शुद्धिकरण के अभियान के। पहले काले धन की अर्थव्यवस्था खत्म करो, काला धन देश के विकास में लगाओ, भ्रष्टाचार को खत्म करो। और ये तो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उज्ज्वल और सबसे ज्यादा एक मैं कहूंगा कि शीर्ष प्रमाण है जो ये करोड़ों रुपए की माला के रूप में सामने आ रहा है। तो बाबा रामदेव इस तरह के चरित्र को मिटाने के लिए, माने राजनीति का चरित्र बनाने के लिए राजनीति के शुद्धिकरण का स्वामी रामदेव ने अभियान शुरू किया है। नहीं, मगर बाबा रामदेव एक नई चीज को शुरू जरूर कर सकते हैं। रामदेव जी, बाबा रामदेव एक नई चीज को जरूर शुरू कर सकते हैं। तमाम बाबा जो है अब वो राजनीति के अखाड़े में कूदने लगेंगे। और पिछले कुछ दिनों में टेलीविजन पर आप ऐसे कई बाबाओं की तस्वीरें देख चुके हैं जिन्हें आप कम से कम अपने पॉलिटिकल नेता के तौर पर तो नहीं देखना चाहेंगे बाबा रामदेव। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके राजनीति में कूदना एक एक गलत चीज को भी एक तरह से आमंत्रण दे सकता है? देखिए, दूसरों के साथ न मैं अपनी तुलना करता, न किसी की आलोचना, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा अभिसार भाई, सन्यासी मात्र वस्त्र पहनने से नहीं हो जाता। वस्त्र तो रावण ने भी पहने थे, ये वस्त्र जो है सन्यास का 1% हिस्सा है। सन्यास का 99% जो हिस्सा है वह करेक्टर है, वह चरित्र है। उस सन्यासी की सेवा है, उसका निष्कलंक वेदांत जीवन है, उसका आचरण है और उसका ध्येय है। तो जो ये रावण के भेष में ये जो कुछ धर्म के नाम पर अधर्म करने वाले बाबा दिख रहे हैं, ये दरअसल स्वयंभू सन्यासी या इच्छाधारी, ये कभी जो हमारी सन्यास के गौरव नहीं है और ना हमारे आदर्श और ना उसकी परंपरा के संवाहक है। इसलिए इनसे कोई खतरा है ही नहीं। और मैं तो कह रहा हूं, मैं भी राजनीति में सीधे प्रवेश नहीं करूंगा, अपितु सच्चे अच्छे और ईमानदार लोग उनको राजनीति के शीर्ष पर लेकर के जाएंगे। उनकी कमी नहीं है, उनको नेपथ्य में धकेल दिया गया था, बस उनको ऊपर उठाने की जरूरत है। बाबा रामदेव, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, राजनीतिक विचारधारा की बात करें तो मैं आपसे पूछूंगा, आपने मायावती पर पहला राजनीतिक हमला अपना मायावती पर किया है, तो क्या पॉलिटिकली या राजनीतिक तौर पर आप इसे एक समझदारी का कदम मानते हैं? अभी सर भाई, मैंने हमला नहीं किया, पहल पूज्या श्रद्धा बहन जी की तरफ से हुई थी। मैंने तो विनम्रता के साथ अपनी बहन को एक सलाह दी कि बहन, अपनी दौलत, अपनी शोहरत, उसका प्रदर्शन मत कीजिए, अपितु देश की दौलत का उपयोग दलितों के उत्थान के लिए कीजिए। मैंने एक गुरु होने के नाते, मैं चाहे वो राजगुरु कहें या वो राजयोगी कहें, मेरा ये धर्म बनता था कि मैं उनको सही सलाह दूं। मैंने उनके चरित्र के ऊपर कटाक्ष नहीं किए, बल्कि वो जो आचरण कर रही थी उसको एक सही दिशा दी है। और पहल मैंने नहीं, पहल उधर से शुरू हुई थी। बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव जी, बहन जी का ये हाल इसलिए भी है, बहन जी का हाल ये इसलिए भी है क्योंकि अपनी पार्टी में वो एकमात्र चेहरा है और यही वजह है कि कभी कभी वो तानाशाह जैसी दिखती हैं। अब आपकी जो सियासी पार्टी आने वाली है उसमें आपके अलावा तो मैं किसी को नहीं देख रहा हूं और ना दिखेगा कोई, तो कहीं ना कहीं ये डर है कि उस लक्ष्मण रेखा को आप भी लांघ जाएंगे। देखिए, आदमी का चरित्र एक दिन में नहीं बनता है। मैं जिस चरित्र में जी रहा हूं उसको जो है पूर्व जन्म से लेकर के आया हूं। ये जो स्वभाव है, जो व्यक्ति की नेचर है, उसका जो करेक्टर है, यह एक दिन में निर्मित नहीं हो जाता। स्वामी रामदेव ने अपने सामाजिक जीवन में, अपने आध्यात्मिक जीवन में, अपने राष्ट्रीय जीवन में निर्भयता के साथ जिंदगी को जिया है, लेकिन जहां विनम्र रहना चाहिए वहां अपनी विनम्रता को मैंने कभी नहीं खोया है। इसलिए यहां जो चरित्र की गिरावट है मेरे जीवन में कभी नहीं आ सकती। और आप अभी देख नहीं पा रहे, इस देश में लाखों करोड़ों लोग खड़े हो चुके हैं। जब मैं घर से निकला था तब अकेला था, आज तो करोड़ों हाथ मेरे साथ में खड़े हैं और वो मेरी ताकत बन चुके हैं। आप देखेंगे आने वाले वक्त में अभिसार जी उनको मेरे साथ। चलिए, मगर बाबा रामदेव जी, अंग्रेजी का एक जुमला है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, लिहाजा हम ये ना भूलें कि राजनीति से आने वाली ताकत इंसान को करप्ट भ्रष्ट भी कर सकती है, ये चीज हमें हमेशा याद रखनी होगी। बाबा रामदेव, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।